वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वन अपना फाइनेंस मिनिस्टर। और ऐसे में अब ITR फाइलिंग का वक्त हो चुका है और बस एक ही दिन बचा है। और अगर आपने रिटर्न फाइल कर दिए हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग नहीं कर पाए हैं और कल आखिरी दिन में किसी भी गलती से या गड़बड़ी से बचना चाहते हैं, तो अब ये जो चर्चा है वो खास आप ही के लिए है। मेरे साथ सुजीत बांगर, फाउंडर taxbuddy.com भी जुड़ गए हैं इसको आगे ले जाने के लिए। और सुजी नमस्कार और स्वागत है आपका वन अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। ITR फाइलिंग और लगभग जितनी भी हमारी जितना भी समय था वो समाप्त हो चुका है और अधिकतर लोगों ने उम्मीद यही करते हैं कि अपने रिटर्न्स फाइल कर दिए हो। मुझे ये बताइए, अगर नहीं कर पाए या किसी भी तरह की गलती की वजह से फाइल नहीं हो पाया, जुर्माना कितना लगेगा? देखिए, दो प्रकार का जुर्माना है। पहला जुर्माना फाइनेंशियल, 5,000 रुपए तक का आपको जुर्माना लग सकता है अगर आप 31 जुलाई तक फाइलिंग नहीं करोगे। उसके बाद आपको 31 दिसंबर तक फाइलिंग करने के लिए समय मिलता है, लेकिन 5,000 रुपए का जुर्माना पड़ेगा। लेकिन ये छोड़ के दूसरा एक बड़ा जुर्माना ये है कि आपको जो लॉसेस होते हैं वो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो अगर लॉसेस आप कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे तो फ्यूचर का जो इनकम है वो आपका टैक्स हो जाए। 4 लाख का लॉस अगर कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे तो नेक्स्ट ईयर 4 लाख का इनकम पे ऊपर आपको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। तो ये भी इनडायरेक्ट जुर्माना है। और लास्ट पॉइंट ये है कि इंटरेस्ट जो है कि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसका रीजन ये होता है कि टैक्स पेमेंट आदमी डेफर कर लेता है और उसके लिए रिटर्न फाइलिंग डेफर हो जाता है। तो टैक्स पेमेंट डेफर हो जाता है, उसका इम्प्लीकेशन ये होगा कि 1 अगस्त से आपको 1% पर मंथ इंटरेस्ट का मीटर चालू हो जाएगा। और ये बहुत बड़ा इनडायरेक्ट जुर्माना है जिसके बारे में हम ज्यादा सोचते नहीं। तो इन सब से अवॉइड करने के लिए सिंपल है, आज का दिन अपने हाथ में है, कल का दिन अपने हाथ में, ITR फाइल कर सकते हैं। 10% एनुअल इंक्रीमेंट ऑन द प्रॉपर्टी। मुझे ये बताइएगा सुजीत जी, क्योंकि आपका एक पोर्टल भी है और पिछले साल के मुकाबले मुझे कंपेयर करना हो तो अब तक कितनी ज्यादा फाइलिंग हो चुकी है? अब तक ऐसा कोई आंकड़ा है आपके पास? ऑलमोस्ट 8% से पिछले साल के मुकाबले, ऑल ओवर इंडिया का हम डेटा देखें तो 8% प्लस से चल रहा है टिल यस्टरडे। कल तक आप देखेंगे तो 5 करोड़ 43 लाख का टोटल फाइलिंग हुआ। लास्ट है फाइनेंशियल ईयर में 31 जुलाई तक 6 करोड़ 77 लाख का फाइलिंग हुआ था। दिस ईयर हम ये सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट 7 करोड़ to 7.5 करोड़ तक फाइलिंग जाएगा। अगर 7 करोड़ प्लस फाइलिंग जाने वाला है तो आज और कल के दिन में ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं 1.5 करोड़ से ज्यादा फाइलिंग हो सकता है। कल के अकेले एक दिन में 25 लाख का, अराउंड 2325 लाख का फाइलिंग हुआ था। 29 जुलाई के हिसाब से ये नंबर वैसे थोड़ा सा कम है, लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे तो फाइलिंग 8% से ज्यादा हुआ है। और आज और कल में मेजर सर्च हमें आने को दिखेगा, ऑलमोस्ट 7 to 7.5 करोड़ का टोटल नंबर जाएगा। और हम भी ये देख रहे हैं कि दिस ईयर लोग थोड़े से मतलब कि लास्ट तक पुश नहीं कर रहे फाइलिंग। ये अच्छा एक्सपीरियंस हम देख रहे हैं, लोग थोड़े से जागरूक हो रहे हैं और टाइमली फाइलिंग के लिए रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ये टोटल नंबर ऑफ फाइलिंग में भी इसका रिफ्लेक्शन आ रहा है, जो 8% हायर जो फिगर दिख रहा है। फिर भी ऑलमोस्ट 1 to 1.5 करोड़ का फाइलिंग आज और कल में होने वाला है, ये बहुत बड़ा नंबर है। तो अभी देखने वाली बात ये होगी कि कल फाइनल फाइलिंग का नंबर 7 करोड़ पे स्टॉप हो जाएगा या 7 to 7.5 करोड़ के बीच में कहीं पे रुक जाएगा। तो ये इंटरेस्टिंग होगा कल देखने के लिए। बशर्त है सिस्टम क्रैश ना हो, बिकॉज पिछले कई दफ़े हमने ये देखा है कि अपलोडिंग के वक्त सिस्टम्स नहीं चल रहे थे और इसकी वजह से भी कुछ दिनों के लिए मियाद को बढ़ाना भी पड़ा था। अब की बार भी ऐसा होगा क्या? देखिए, कल की बात में लेता हूँ कि हमें बहुत क्वेरी भी आई कल से, बहुत यूजर्स से और बहुत एजेंसी से भी कुछ क्वेरीज आ रही है कि कल बहुत सारे लोगों को बहुत पोर्टल में बहुत दिक्कत हुई है। कुछ लोगों के केसेस जो मैं देख रहा था तो कुछ लोगों ने डबल टैक्स पेमेंट किया है। चलन रिफ्लेक्शन में कुछ इश्यूज आ रहे थे। अगर मेरा 25,000 का पेएबल है तो क्या होता है, मैं पे करने जाता हूँ, कुछ दिक्कत हो रहा है, चलन रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा या कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो फिर से रीइनिशिएट करता हूँ तो मेरे बैंक अकाउंट डबल डेबिट हो गया, राइट?
और लेकिन ये डेबिट हो गया, वो इनकम टैक्स को डेबिट हो गया। तो इनकम टैक्स जो एक बार आप पे करते हो वो आसानी से वापस नहीं आता, उसके लिए बहुत प्रोसेस है लंबी। तो कुछ लोगों का दिक्कत इसके कारण हो गया है कि डबल टैक्स पेमेंट हुआ है पोर्टल के मिस्टेक्स के कारण। पोर्टल का स्लोनेस एक बहुत बड़ा इशू था कि हम जब फाइलिंग करने को जाते हैं तो कुछ ना कुछ प्रोसेस पे, हर एक के किसी के केस में एक ए स्टेज पे अटकेगा, किसी के केस में बी स्टेज पे अटकेगा। बट हमारा एक एक्सपीरियंस ये है कि थोड़ा पेशेंस हम रखेंगे तो फाइलिंग हो जाता है। तो सिस्टम काम कर रही है बट स्पीड में थोड़ा सा इश्यू आ रहा है, और स्पीड के इश्यू के कारण जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो इंडिविजुअल टैक्स पेयर के लिए बहुत हार्मफुल है। इसलिए ये वी एक्सपेक्ट कि आज का दिन और कल का दिन स्मूथली जाए, कोई इशू ना आए, एंड डेट एक्सटेंशन की कोई संभावना मुझे नहीं लग रही। चलिए, तो अब हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आराम से अगर आप अपना आखिरी दिन फाइल कर रहे हो रिटर्न, तो वो हो जाए। लेकिन कौन कौन सी गलतियां हैं जो आमतौर पे लोग करते हैं? मेरे ख्याल से अब चर्चा को उस ओर हम मोड़ते हैं, तो पहले गलतियों की बात करते हैं, उसके बाद में हम चर्चा में ये बात को शामिल करेंगे कि लास्ट चेक जब सबमिट बटन आप दबा ही रहे होते हैं उसके पहले जो आखिरी चेक करना होता है वो क्या होता है। लेकिन सबसे पहले गलतियाँ, आम गलतियाँ जो पाई जाती हैं। देखिए, इस साल सबसे बड़ी गलतियां जो हो रही है और जो हमने देखा है टैक्स बड़ी पे, जितने क्लाइंट्स आते हैं उनके बिहेवियर से, उनका अप्रोच क्या है, उससे एक मेजर गलतियां टैक्स पेयर दिस ईयर कर रहे हैं वो AIS को निगलेक्ट कर रहे हैं। आपको AIS में अगर दिख रहा है कि आपने कुछ ट्रांजेक्शन किया है सिक्योरिटीज का, कुछ म्यूचुअल फंड का, कुछ शेयर बेचा है, कुछ किया है, आपको उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आपको कोई इंटरेस्ट आया है, आपको कुछ डिविडेंड आया है, उसको आपको नजरअंदाज नहीं आना चाहिए, करना चाहिए। क्या हो रहा है कि मैं सैलरीड पर्सन हूँ, मैं मेरे माइंड में मेकअप करके रखता हूँ कि मेरा सैलरी 15 लाख का है, मेरा जितना TDS आया है उतना ही मेरा टैक्स होना चाहिए, रादर उससे मुझे थोड़ा रिफंड आना चाहिए। जब मैं फाइलिंग को जाता हूँ, जब AIS देखता हूँ, तो AIS में मुझे दिखता है कि ऑलमोस्ट मुझे 1 लाख का या 1.5 लाख का कोई FD का इंटरेस्ट आया है, 50,000 का कोई डिविडेंड क्रेडिट हुआ है, टोटल 2-2.5 लाख का होता है। तो उसके ऊपर मैं अगर हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में हूँ तो ऑलमोस्ट 30% से 50-60 हज़ार की लियाबिलिटी आ जाती है। तो कुछ केसेस में यूजर्स लास्ट मिनट फाइलिंग में ये सारी चीजें निगलेक्ट कर रहे हैं कि मैं सैलरीड हूँ तो सिर्फ सैलरी का इनकम दिखाऊंगा, फाइल करूंगा, आगे जो होता है वो देख लेंगे। ये एटीट्यूड आज और कल में मैक्सिमम हो सकता है, जिसको हमें अवॉइड करना है, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस है। दूसरा मेजर मिस्टेक जो लास्ट मिनट फाइलिंग में होता है वो रॉन्ग ITR सिलेक्शन में होता है, और रॉन्ग ITR सिलेक्शन इज मोस्टली कॉमन अमंग प्रोफेशनल्स, कि प्रोफेशनल और सैलरीड में बहुत थिन लाइन होता है। मैं आज कहीं काम कर रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर मैं कोई फ्रीलांसिंग में कर रहा हूँ, तो अगर या फिर मैं जॉब भी कर रहा हूँ फ्रीलांसिंग भी कर रहा हूँ, तो अगर मैं जॉब कर रहा हूँ मेरा ITR 1 होता है, मैं जॉब कर रहा हूँ और फ्रीलांसिंग भी कर रहा हूँ तो मेरा ITR 4 हो सकता है। तो इस केस में फ्रीलांसिंग के इनकम को भी सैलरी इनकम कंसिडर करके ITR 1 फाइल करना और फ्रीलांसिंग का इनकम का सेपरेट ट्रीटमेंट देना, अवॉइड करना, ये मिस्टेक बड़ी हो सकती है जिसके कारण आपका रिटर्न डिफेक्टिव हो सकता है, आपको नोटिस भी आ सकती है। तीसरा मेजर मिस्टेक हो सकता है टैक्स पेमेंट में, जो मैंने अभी बताया, जल्दबाजी में आप डबल टैक्स पेमेंट कर जाओगे तो बैंक में डबल डेबिट हो जाएगा, तो एक बार पैसा जाता है इनकम टैक्स में तो जल्दी वापस नहीं आता। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से टैक्स पेमेंट के वक्त कॉन्शियस रहना। एक और मिस्टेक इंटरेस्टिंग होता है, जब टैक्स पेमेंट हम जब कर रहे हैं तो असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो असेसमेंट ईयर जो अभी फाइलिंग कर रहे हैं वो 2024-25 का फाइलिंग कर रहे हैं असेसमेंट ईयर का, तो हम असेसमेंट ईयर ये प्रॉपर ईयर समझ के, और जो हम टैक्स पे कर रहे हैं अभी वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, जो फाइनेंशियल ईयर के एंड के बाद रिटर्न फाइलिंग के वक्त हम जो टैक्स पे करते हैं वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, वो एडवांस टैक्स नहीं है या कोई अदर टैक्स नहीं है। तो टैक्स पेमेंट में हम प्रॉपरली चलन सिलेक्ट करना, प्रॉपरली कैटेगरी सिलेक्ट करना और प्रॉपर ईयर सिलेक्ट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत मेंटल हैरेसमेंट वाले हैं। अगर रॉन्ग ईयर में क्रेडिट जाता है, रॉन्ग ईयर में क्रेडिट जाता है या डबल डेबिट होता है, तो फिर मेंटल हैरेसमेंट बहुत हो सकती है। तो ये एक अनदर मेजर मिस्टेक है जो हम कर सकते हैं।
और लास्टली मैं बोलता हूँ कि हम आईटीआर फाइल करते हैं, हमारा सबसे पहला हमारा का ये एक ध्यान होता है कि मेरा टैक्स कैसे बचे, मेरा रिफंड कैसे बढ़ाए। तो जल्दबाजी में आप सिर्फ एटीसी को ही अपना टैक्स डिडक्शन है, या फिर जो फॉर्म 16 में रेजिम गया है, टैक्स रेजिम गया है, वही मेरा रेजिम होना चाहिए, ऐसा आप ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको टैक्स फाइलिंग के वक्त कॉन्शियसली डिसीजन लेना है कि मेरे सारे टैक्स डिडक्शन के हिसाब से मेरा न्यू ओल्ड रेजिम में कितना टैक्स आ रहा है, और विदाउट एनी डिडक्शन बाय टेकिंग ओनली स्टैंडर्ड डिडक्शन मेरा न्यू रेजिम में कैसा टैक्स आ रहा है। फिर ये ओल्ड रेजिम और नो रेजिम का टैक्स विद डिडक्शन, ओल्ड रेजिम विदाउट डिडक्शन नो रेजिम, इन दोनों का टैक्स कंपेयर करके जो मुझे बेनिफिशियल है वो रेजिम मुझे सिलेक्ट करना है। तो ये भी बहुत कॉन्शियसली डिसीजन लेना चाहिए। और लॉस कैरी फॉरवर्ड में और एक मिस्टेक होता है, बिकॉज एफएनओ और स्टॉक ट्रेडिंग के ट्रांजैक्शन आजकल बढ़ रहे हैं, आप स्पेक्युलेटिव जो लॉस है ट्रेडिंग का वो आप स्पेक्युलेटिव लॉस करके आपको रिपोर्ट करना है। एफएनओ का लॉस स्पेक्युलेटिव नहीं है, वो नॉन स्पेक्युलेटिव लॉस है, उसको आप रेगुलर लॉस करके आप रिपोर्ट करो। रॉन्गली लॉस रिपोर्ट करने के कारण रिटर्न डिफेक्टिव भी हो सकता है, और लॉस कैरिड फॉरवर्ड के आगे आपको बेनिफिट भी नहीं मिल सकता अगर आप रॉन्गली लॉस ये करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। तो एन नंबर ऑफ मिस्टेक्स हो सकती है, ये जो मैंने बताया अभी ये कॉमन मेजर मिस्टेक्स जो है वो हमें अवॉइड करनी चाहिए। इन नेचुरल आपने सारी गलतियां जो अवॉइड करनी चाहिए उसका जवाब दे दिया है, और उम्मीद यही करते हैं कि ये जो पूरी चर्चा है दर्शकों के काम भी आए और वो इस तरह की गलती करने से बचे जिससे उनको जुर्माना देना पड़े, और जो इनडायरेक्ट लॉस जो समझाया सुजीत ने वो काफ़ी मायने रखता है तो वो बिल्कुल भी ना होने दें। बहुत बहुत धन्यवाद, इसी के साथ आपने समय निकाला और इतने विस्तार से बातचीत की इस मुद्दे पर दर्शकों से। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पर इस पेशकश को आपके सवाल जवाब की ओर लेकर जाएंगे, दर्शकों के सवाल, और लाइव आप हमसे भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने सवाल, या अगर आप चाहें तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे भी अपने सवाल छोड़ सकते हैं। तो ब्रेक के बाद दर्शकों के सवालों के जवाब लाइव।